एक नवंबर से 3 रुपये बिजली का रेट घट गया। अगला जिहड़ा बिल आऊगा उहदे विच पता लगेगा कि बिल तो अद्धे से भी घट रह गया। 10 रुपये कट्ठा पेट्रोल का रेट घटाया। हुण जे तुसीं पेट्रोल पाउण जाओ 30 लीटर पाओ तो 300 रुपया नगद उत्थी बच जांदा। यह नहीं है कि अगे नूं हुण ऐलान नहीं कर रहा, मैं कोई केजरीवाल वांगू फार्म नहीं भरा रहा कि मैं करूंगा थोड़ा, ऐसी करता है। पंजाब दे मुख्यमंत्री अते आप दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल विचाले शब्दी जंग लगातार जारी है। एक पासे अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री चन्नी नूं नकली केजरीवाल कह के संबोधन किया है, उते मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल ते निशाने लाउण दा कोई भी मौका नहीं जान दे रहे। इस विचाले हुण हर पासे ऐलाना दी भरमार। नवांशहर दे बंगा पहुंचे मुख्यमंत्री ने नवांशहर अते बंगा सने पूरे दुआबे खेतर लई कई वड्डे ऐलान कीते ने। मुख्यमंत्री ने बंगा विखे डॉक्टर अंबेडकर दे नाम ते डिग्री कॉलेज बनाउण दा ऐलान कर दिता है, जिस लई मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ दी ग्रांट देण दा भरोसा भी दवाया है। इस दे नाल ही उन्हां खटखड़ कलां विखे भगत सिंह जी दे नाम ते खेड स्टेडियम बनाउण दा भी ऐलान कीता है। सो इस करके डिग्री कॉलेज होना इत्थे बड़ा जरूरी है, क्योंकि जे पढ़ाई नहीं है तो तरक्की नहीं है। इस करके एक डिग्री कॉलेज बाबा अंबेडकर जी दे नाम ते थोनू दवांगा, 15 करोड़ रुपया उहदे ते लगेगा। तुसीं जगह देख लो उहदे विच बणेगा। एक शहीद भगत सिंह जी बारे मेरी पूरी श्रद्धा है, प्यार है, सत्कार है। मैं कुछ भी करा, कुछ भी बना तो खड़कड़ा जरूर आके जाता है। सो नौजवानों के खेड वास्ते स्टेडियम ऐसी खड़कड़ कलां दे विच बनावांगे जिदे ते 11-12 करोड़ रुपया लगेगा। तुहाडे होस्पिटल सब डिवीजन बन गई, होस्पिटल CHCO कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लग्या वा, इहनूं सब डिवीजन का दर्जा दे के 50 बैड का बनावांगे असीं। ते एक तुहाडे ब्लॉक आउट दे विच सब तहसील नवीं चलावांगे तां कि उस एरिए दे काम उत्थी हो जाण। ते कई बार ऐ लगदा वी जिस तरह एम ई बोल के चले गया। मैं जब MC म्यूनसिपल कमेटी च प्रधान बनिया मैं छोटा जिहा ही सीगा, खरड़, मैं मुड़ी खैड़ गया। खरड़ दे विच एक बाड़ पैंदा, उत्थे एक चोहा जांदा सी। मैनू कहिंदे जी इत्थे पुली लकड़ी चाहीदी है, पुल लकड़ा चाहीदा, सड़क ठीक होनी चाहीदी, इधर पार्क बननी चाहीदी। मैं अनाउंस करता जी, मैं क्या बनूगी इह। म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान बन के मैनू अज तक कह लग रहा कि जो कुछ उहदे कोल पावर होंदी है किसी कोल भी नहीं होंदी आ। तुसीं भी इत्थे म्यूनसिपल कमेटी बनाओ जी, प्रधान ही नहीं बनिया कहिंदे काफ़ी देर ते, हुण अगले हफ्ते 10 दिन च बना लो। ते मैं अनाउंस करिया आ, एक बुढ़ा कहिंदा न्याणा जिहा यार खासा अनाउंस कर गया, पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा। बंगे वाले आए ना समझो भी कुछ होना नहीं है, मुख्यमंत्री अनाउंस कर रहा जो मैं कह रहा है हो जाना आने वाले दिनों च। 25 करोड़ रुपया थोड़े खाते च आ जाना, तो कॉलेज बढ़ जाना, स्टेडियम बढ़ जाना, थोड़ा हस्पताल अपग्रेड कर देना, तो 32 करोड़ रुपया थोड़ी सड़कों वास्ते दे के जा रहा है। जिहड़ियां थोड़ियां सड़कां कोई कच्ची दे पक्की होनी है, कोई नवी बननी है, कोई ठीक होनी है, किसी पर लुक पैनी है। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री ने बंगागढ़ शंकर रोड नूं भी नवा बनाउण दा ऐलान कर दिता है। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री ने इलाके दे विकास लई कई होर अहम ऐलान भी कीते ने। अंगद जी ने कहा ये बंगागढ़ शंकर रोड इहदा कुदरती मैनूं तां अनाउंस करन दा ही फायदा हो रहा है, ऐसी इहदे टेंडर टूंडर लगाते आ, हुण बणने शुरू हो जाएगी जरूर। एक इत्थे फायर स्टेशन की जरूरत है, क्योंकि शहीद भगत सिंह की भी समाधि जगह हैगी, उत्थे बहुत कट हुंदा है, लोड पै सकती है कदे भी। इस करके एक ऐसी फायर स्टेशन भी इत्थे बनावांगे। तो एक ऑन लैंड सोसाइटी जिहड़ा लोन है उहदे बारे मैं अज जाके उहदियां फाइलां फूलां मंगा के देखदा टोटल किन्ना पैसा बनता, 60-65 करोड़ के लगभग है। उहदे बारे असीं कुछ दिनों च एक कैबिनेट दे विच फैसला होना, उहदे च जिहड़ा फैसला उह लवांगे। सो मैं थोड़ा बड़ा धन्नवादी हाँ कि तुसी इकट्ठे होके आए हैं,
बस मैं आखिर तुम्हें एक बेनती करनी है कि पिछली बारी उरे ते कम रह गया, ऐतकी उस सिरे ला दिओ जिहड़ी पिछली बारी कमी रह गई है। तो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद और जिन्हें स्टेज पर बैठे है और अगे बैठे है सारे जने इकट्ठे होकर जोर ला दिओ, कैंडीडेट थोड़ी पसंद का दे देना, तगड़े होके काम करा लो, तगड़े होके वोटा पा दिओ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल नूं लंबे हत्थी लिया। मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल ते तंज कसदिया कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब दे लोकां नूं जिहड़ियां सहूलतां देण दे फार्म भरवा रहे हैं वह काम कांग्रेस सरकार ने पहला ही कर दिते ने, जिसका असर भी पंजाब विच नजर आउण लग्गिया है। ऐसी 3 रुपये इकट्ठा रेट घटाया बिजली का और 1 नवंबर से लागू हो गया। अज किसी ने अखबार च खबर लगा दी, नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं उस वीर नूं दसना चाहुंदा कि 1 नवंबर से 3 रुपये बिजली का रेट घट गया है। अगला जिहड़ा बिल आऊगा उहदे विच पता लगेगा कि बिल तो अद्धे ते भी घट रह गया। सो ये बड़े समस्यावां सी, पेट्रोल है, डीजल है, मैं पेट्रोल पंप पर रहा कदे 2 या 3 रुपये घटिया तो है ही नहीं, बढ़ता ही होंगे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते ही है, कदे ही घट 50 पैसे घट जाए, लेकिन 10 रुपये कट्ठा पेट्रोल का रेट घटाया। हुण जे तुसीं पेट्रोल पाउण जाओ 30 लीटर पाओ तो 300 रुपया नगद उत्थी बच जाता है। ये नहीं है कि अगे नूं हुण ऐलान नहीं कर रहा, मैं कोई केजरीवाल वांगू फार्म नहीं भरा रहा कि मैं करूंगा थोड़ा, ऐसी करता है। डीजल का तुसीं ड्रम भराउण जाओ थानू 1000 रुपया उत्थी बचना है, पेट्रोल पंप पर खड़े ही 5 रुपये डीजल का रेट घट करिया पंजाब दे विच। अज पूरे हिंदुस्तान नालों पंजाब दे विच बिजली सस्ती है, आले दुआले दीआं सारियां स्टेटां नालों पंजाब दे विच डीजल और पेट्रोल सस्ता है। ये काम क्यों किए है, क्योंकि मैनू पता है कि चादर छोटी रह गई, पैर बाहर निकल गए। इन्ना टैक्स सरकारां ले रही, इन्नी महंगाई करी गई सी जिदे नाल घर का खर्चा चलता ही नहीं सी, इस करके सारिया चीज़ां घटाइयां। मिडल क्लास के बंदियां नूं, आम आदमियों नूं इहदा पूरा फायदा होया, गरीबां नूं फायदा होया। जिमें जिमें वोटां नेड़े आ रही ने, पंजाब च एलाना की भरमार लगी हुई है। कांग्रेस सत्ता विचों होण दा फायदा चुकदिया लोगों नूं तोहफे ते तोहफे वंड रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल अते अकाली लोगों नूं अपने हाथ हेठ करन लई हर संभव ऐलान करन दी कोशिश च लगे हुए ने, पर ये ऐलान लोगों नूं किन्ने कु पसंद आउंदे ने ये तां आउण वाला समां ही दसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।